राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास का जो महीना है वह चल रहा है। अधिक मास को दोस्तों मल मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी प्रकार की हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस बार के जो मल मास हैं वह 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 अक्टूबर तक को खत्म होंगे। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। लोग इस पूरे महीने में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग जैसे धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य महीने में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि दोस्तों श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस महीने में भगवान को प्रश्न करके अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये महीना शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इस महीने में हमें धर्म कर्म, उपाय साधना और यात्राओं के लिए ये जो महीना है ये बहुत ही पवित्र बताया गया है। ये महीना दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली और पवित्र होता है, लेकिन ये जो महीना है हर 3 साल में एक बार आता है और इसी अधिक मास के अधिपति जो होते हैं वह भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए दोस्तों अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इस महीने के भगवान अधिपति जो हैं वह भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। तो इस महीने में दोस्तों पूरे 30 दिनों तक हमें सुबह व शाम भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और हमारे 30 दिनों तक भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन की जो परेशानियां होती है वह खत्म होने लग जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ अधिक मास की पूर्णिमा भी 1 अक्टूबर को आने वाली है। 1 अक्टूबर गुरुवार के दिन पूर्णिमा आने वाली है। दोस्तों, अधिक मास में ये जो पूर्णिमा आ रही है इसका जो महत्व है ये अत्यंत ही विशेष होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाता है और मान्यता है कि यह व्रत करने पर समस्त सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है, धन संपत्ति सुख वैभव में भी वृद्धि की जा सकती है और इस व्रत के प्रभाव को यदि कुंवारी कन्याएं करें तो उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त होता है और यदि युवक करें तो उन्हें सुशील वर पत्नी प्राप्त होती है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वर्दी योग, स्वार्थ सिद्धि योग और गुरुवार के संयोग ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों स्नान करने का भी बहुत ही महत्व बताया गया है और जो व्यक्ति पूर्णिमा पर स्नान करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन के कई लाभों को प्राप्त कर सकता है बल्कि अधिक मास में यदि कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसके कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि दोस्तों अधिक मास पर पूर्णिमा का स्नान बहुत ही विशेष बताया गया है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूर्णिमा पर स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलने लग जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं पूर्णिमा के दिन तो आपको आपके नहाने के पानी में थोड़ा सी गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वह गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। तो इसे दोस्तों गंगा नदी के समान जो स्नान होता है वो आपको पाया जाता है। और ये भी कहा गया है कि दोस्तों ये जो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती लोक पर आती है और देखती है कि कौन सा व्यक्ति उनके प्रति व्रत रख रहा है और कौन व्यक्ति उसके समक्ष कोई उपाय साधनाएँ जो है वह कर रहा है। तो दोस्तों जो पूर्णिमा का दिन है वह गुरुवार के दिन आने वाली है और गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। ऐसे में दोस्तों अधिक मास का जो महीना है वह भी भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है और जो गुरुवार का दिन है वह भी भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है।
तो ऐसे में दोस्तों गुरुवार के दिन आपको हल्दी से जुड़े ये उपाय करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वह बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें कौन सा उपाय करना है। दोस्तों ये पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसकी महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन बहुत ही खास योग भी बन रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का जो है वो नाश होता है। इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे में आज हम आपको एक हल्दी का छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप पूर्णिमा के दिन करने से आपके सभी कष्ट जो है वह दूर होने लग जाएंगे। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह स्नान करें। स्नान करने से पहले पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और स्नान के बाद हो सके तो इस दिन पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। मंदिर में बैठने से पहले आपको दो लोटे लेने हैं। एक में शुद्ध पानी भर लीजिएगा और दूसरे लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। अब दोनों ही पात्र में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। उन दोनों लोटों में दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। अब भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दोस्तों दीपक के नीचे आपको चावल रख देना है और फिर दोस्तों आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने देसी घी का दीपक लगाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। आप थोड़ी सी हल्दी में जल मिला लीजिए और उसे भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं और भोग लगाने के बाद दोस्तों तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों तुलसी जो होती है वह भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है, तो ऐसे में आपको तुलसी का भी भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आपको माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम नमो महालक्ष्मी नमः उस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं से निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद दोस्तों हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल है उससे ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है। इसके बाद उस गंगा जल हल्दी को मुख्य दरवाजे पर छिड़क देने के बाद घर के कमरों में छिड़क दें, रूम में छिड़क दें और सभी आंगन में सभी जगह उस गंगा जल को छिड़क देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और उसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक कर दीजिए। जो दूसरा लोटा बचा था दोस्तों जिसमें पानी डाल रखा था आपने, उस लोटे में थोड़े से साबुत चावल डाल दें। अब उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दें और उससे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें। इस तरीके से दोस्तों ये काम करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की जो कृपा होती है वह हमेशा बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और कभी भी घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही दोस्तों गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है, गुरु ग्रह में अनुकूलता भी आती है। तो ऐसे में आपको एक काम यह करना है कि पूर्णिमा के दिन घर की बाउंड्री की दीवार पर हल्दी, जो आपकी घर की बाउंड्री है उस दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिससे हमेशा घर में जो है सकारात्मकता बनी रहती है। और हमेशा नहाते समय अगर नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। कैरियर में सफलता के लिए भी ये आप अचूक उपाय जो है वह कर सकते हैं। और ऐसे दोस्तों गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पीछे हल्दी की अगर आप पूड़ियाँ छुपा कर रखते हैं तो इससे अति शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं और हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। ये मानस की नकारात्मकता दूर करती है, इसीलिए दोस्तों इसे हवन में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य को हल्दी मिला जल चढ़ाने से कन्या की शादी मनचाहे वर से होती है
और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको पूर्णिमा गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी जी के आपके घर पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना जो है आपको नहीं करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस दिन आपको ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर जो है बनी रहती है।